हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सरल चीज है समझने के लिए म्यूजिक में, परंतु बहुत ही गहरा रहस्य है उसका। आप ध्यान दें, क्वेश्चन है आरोह अवरोह क्या है। बहुत ही सरल है क्वेश्चन। मैं समझता हूं जो संगीत सीखते हैं उसमें करीब निश्चित रूप से 99% लोग समझते हैं कि आरोह क्या है और अवरोह क्या है, परंतु आरोह अवरोह को समझना, मेरे हिसाब से मैं बताता हूं आपको कि आरोह अवरोह समझने का मतलब है कि किसी भी राग को लगभग 80% समझ जाना। आरोह अवरोह पर मैं पहले भी कुछ बताया हूं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं आप बहुत ही ध्यान से सुने इस बात को और देखें कि आरोह अवरोह का रहस्य क्या है। क्यों आरोह अवरोह? हमें आरोह अवरोह के जगह पर यह भी समझ जाने से काम चल सकता है कि किसी भी राग में कौन कौन सा स्वर लगता है, आरोह अवरोह ही क्यों। अब देखिए इसका क्या अर्थ है। आरोह का मतलब है चढ़ना, स्वर की चढ़ाई जो है उसको आरोह कहते हैं। और इसको अगर परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो ये होगा कि नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जो हम गाते हैं उसे आरोह कहते हैं, और ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर गाने की जो प्रक्रिया है या बजाने की प्रक्रिया है उसे हम अवरोह कहते हैं। अब देखिए, सिंपली कोई भी राग लें, राग बिलावल ही लेते हैं, सभी शुद्ध स्वर है, सारे गामा पा धा नीसा और अवरोह सानी धापा मागरे सा, ये हो गया आरोह और अवरोह, सभी शुद्ध स्वर। अब मैं बताता हूं आपको आरोह अवरोह का क्या रहस्य क्या है। सा से रे जब हम जाते हैं वो भी आरोह में आता है, रे से ग में, ग से म पर, म से प पर, प से ध पर, कहने का अर्थ किसी भी स्वर से उसके बाद वाले स्वर, उससे ऊपर वाले स्वर को जो हम लेते हैं उसे आरोह कहते हैं, और किसी भी स्वर से उसके नीचे वाले स्वरों को लेना अवरोह कहलाता है। अब देखिए, जब हम राग का आरोह गाते हैं तो सारे गामा पा धा निसा पूरा का पूरा गाते हैं, सानी धापा मागरिसा पूरा का पूरा अवरोह गाते हैं, परंतु कई एक बार हम ये नहीं समझते हैं कि अगर मैं इस तरह गाया सारेगा तो ये क्या हुआ, क्या ये आरोह में आएगा? तो हाँ, ये आरोह में आएगा, क्योंकि जो सबसे पहला स्वर हम लेते हैं उसके बाद दूसरा स्वर जैसे ही लेते हैं तो वो या तो आरोह बनता है या अवरोह बनता है। बस एक बेसिक स्वर, एक कोई भी स्वर हम ले करके दूसरा स्वर जैसे ही लेते हैं, अगर हम मान लीजिए पा धा, ये आरोह हो गया, पा मा अवरोह हो गया, सानी अवरोह हो गया, गरे अवरोह हो गया, रे मा आरोह हो गया, मा धा आरोह हो गया। मैं समझ रहा हूं कि अब आप समझ रहे होंगे कि दो स्वर, कहीं भी दो स्वर भी अगर हम लेते हैं तो वो आरोह की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, वो आरोह कहलाता है। तो अब देखिए, आरोह और अवरोह का जो महत्व है और रहस्य है वो क्या है कि जब हम कोई राग गाते हैं तो राग में जो आलाप करते हैं या तान लेते हैं उसमें कुछ नोट ऐसे होते हैं, कुछ राग ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये गलत है लेकिन वो सही है। जैसे राग भीम पलासी, राग भीम पलासी का स्वर होता है सा रे सा ने सा ग मा पा।
कहिए एक बार, ने सारे, अगर ये लेते हैं तो लगता है जैसे कि ये गलत हो गया, क्योंकि भीमपलासी का आरोह जो है वो निशा ग है, लेकिन जब निशा रे लेते हैं, आप कई एक बार गायक को सुनेंगे, ने सा रे नि सा, ये भी भीमपलासी में आता है, रे सा ने ध प नि सा नि सा ग रे सा। तो जब निशा रे सा लेते हैं तो आप ये भी गौर करेंगे कि रे के बाद जो सही गायक हैं, जो सही गुणी हैं, वो रे के बाद ग नहीं लेते हैं। और रे के बाद ग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर रे से ग लेंगे तो वो भी आरोह में आ जाएगा, जो कि भीमपलासी का आरोह नहीं है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसीलिए आरोह का अर्थ है, अब आप गौर करिए, ने सा रे, इतना दूर तो आरोह लग रहा है, लेकिन रे के बाद जब हम सा पर आ जाते हैं तो रे से सा की प्रक्रिया अवरोह कहलाती है, जो कि भीमपलासी में है, ग रे सा, रे सा अवरोह है। तो ने सा रे सा, तो नी सा आरोह हो जाता है और रे सा जो है वो अवरोह कहलाता है, और नी सा आरोह हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है आरोह और अवरोह का, ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। जब कोई भी राग हम गाते हैं तो उसमें बहुत शब्द, बहुत से जगह पर, जैसे देखिए मियां मल्हा, या आप ले लीजिए थोड़ा सिंपल राग में वृंदावनी सारंग, सा रे मा प नी सा, तो प के बाद शुद्ध नी आता है आरोह में, शुद्ध नी। लेकिन आरोह तो तब तय होगा ना नी के बाद, जब नी के बाद हम सा लेंगे, तब तक वो आरोह तय नहीं होता है। तो अगर हम शुद्ध नी ले लेते हैं तो हमें सा पर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कोमल नी लेते हैं, मा प नी प, तो कोमल नी के बाद जो नोट हम लेंगे उससे आरोह और अवरोह की प्रक्रिया तय की जाती है। तो जब कोमल नी लेते हैं तो उसके बाद वापस हम प पर आते हैं, तब वो अवरोह की प्रक्रिया हो जाती है, जो कि वृंदावनी सारंग का स्वरूप है, सा सा नी प मा प नी प मा प नी सा प नी प मा प मा रे नी सा। और तो ये तो हुआ आपको आरोह में थोड़ी सी गहराई, जो राग में आलाप तान जो हम लेते हैं, इवन बंदिश जो हम कंपोज करते हैं, उसमें भी आरोह अवरोह की प्रक्रिया जो है इस प्रकार होती है, जस्ट दो नोट से आरोह अवरोह की, आरोह अवरोह को तय किया जाता है। तो उस आधार पर आरोह अवरोह को आप सेट करते हैं अपने आलाप में, तान में, कंपोजिशन में। अब आइए दूसरा महत्व आरोह अवरोह। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब आप आरोह अवरोह सीखते हैं तो आप उसे बहुत ही मन लगाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आरोह अवरोह की जो तैयारी है वो आपको राग के बहुत करीब ले जाता है और बहुत दूर तक राग को तैयार करने में आपको सहयोग करता है। इसीलिए जब आप आरोह अवरोह सीखते हैं तो उसे ये समझ करके ना सीखें कि बस सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा था, याद कर लिए, बात खत्म हो गई। नहीं, उसे ठीक अलंकार की तरह तैयार करें आप। इसीलिए जब कभी भी कोई राग सीखते हैं आप, तो उसके आरोह अवरोह पर काम करें, एक वीक दो वीक उस पर तैयारी करें, तब जाकर आप आरोह अवरोह को सही ढंग से समझ पाएंगे। अब देखिए, जब गुरुजी या कोई भी गुरु, कोई भी गुणी जब आपको आरोह अवरोह सिखाते हैं, तो आरोह अवरोह को सीखने के बाद वो आपको
कई एक बार टीचर नहीं समझते हैं या नहीं बताते हैं, या ये कहें कि उस समय वो आरोह अवरोह सिखाने के मूड में होते हैं तो वो आपको आरोह अवरोह सिखा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आपको, जब आपको आरोह अवरोह सिखाया जाता है तो वो केवल एक सप्तक के लिए नहीं है, बल्कि वो तीनों सप्तक के लिए है, पूरे हारमोनियम के लिए है, पूरे कीबोर्ड के लिए है। कीबोर्ड पर आप सेम राग जो मध्य सप्तक में आप आरोह अवरोह किए हैं उसका प्रैक्टिस आप मंद्र सप्तक, अति मंद्र सप्तक, तार सप्तक, अति तार सप्तक, पांच स्केल में आप पूरा करें प्रैक्टिस। क्योंकि जब उस राग से संबंधित आप कोई भी म्यूजिक बजाएंगे या कोई भी गाना बजाएंगे तो आप उसमें म्यूजिक किसी भी स्केल में ले सकते हैं, तो आपको बजाने में बिल्कुल सुविधा होगी। तो और गाने वालों के लिए तीन सप्तक का प्रैक्टिस जो है आरोह अवरोह में हो तो बेहतर है। तो जो सारेगामा पधनी सा आप मिडिल स्केल में लेते हैं, मान लीजिए बिलावल ही अगर मान के चलते हैं तो सारेगामा पधनी सा सानी धपा मगर ऐसा हो गया एक स्केल। उसके बाद उसके नीचे के स्केल में भी आ सकते हैं आप उसी स्वर में, वो भी आरोह अवरोह में तय होता है। जब नीचे आएंगे आप तो वो अवरोह कहलाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आरोह कहलाएगा, फिर उसी तरह तार सप्तक में भी आरोह और अवरोह होगा। तो आप जो आरोह अवरोह की तैयारी करते हैं वो कुछ इस तरह से करें, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया एक स्केल की तैयारी। अब देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो तीनों सप्तक में ये हो गया आरोह अवरोह की प्रैक्टिस। और आरोह अवरोह के प्रैक्टिस के लिए भी आपको कम से कम 2-3 वीक चाहिए, इसीलिए धीरज रख करके आरोह अवरोह का प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और अब उसके आगे बढ़ते हैं, ये था दूसरा पॉइंट आरोह अवरोह का। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, आरोह अवरोह जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको स्लो में और फास्ट में तैयारी कर लिए पहले आरोह अवरोह को, उसके बाद उन्हीं नोटों पर फ्री स्टाइल में आप घूमें, ठीक उसी तरह जिस तरह आपका आरोह अवरोह है। मान लीजिए सा नी धा नी सा, बिलावल में तो मान लीजिए कोई भी नोट आप लेते हैं तो वो सिंपली चलता है जो आरोह अवरोह के तरीके से है। अगर कोई दूसरा राग है, जैसे मान लीजिए राग भूपाली है, सा धा पा गा पा धा सा, सारे गा रे गा पा गा रे सा। अब इस पर आप अपने मन से घूमें बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी पैटर्न के, और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल याद रहना चाहिए आरोह अवरोह कि आरोह में किस तरह से नोट जाता है, अवरोह में किस तरह से नोट आता है, बस ये ध्यान रहना चाहिए। और तीनों स्केल में आप उसके लिए आप अपने मन से उसे घूमें। तो जब आप उसे स्लो मोड में करते हैं, सा रे गा गा रे सा, गौर करिए राग भी भूपाली के आरोह और अवरोह का नोट्स मैं कर रहा हूं, सा रे गा ये आरोह हो गया, गा रे सा अवरोह हो गया, रे सा धा अवरोह है, सा धा हो पा अवरोह है, प ध आरोह, प ध सा आरोह, ध सा रे आरोह, रे सा रे ध आरोह अवरोह मिक्स, रे सा ध हो प ध सा। आरोह मतलब एक नोट नीचे उतरना भी होता है और 10 नोट भी उतरेंगे नीचे तो आरोह कहलाएगा, है ना। तो जब हम आलाप करते हैं तो 2 नोट 3 नोट 4 नोट को एक बीच में जो है सो वहां पर घूमते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से जाते रहते हैं, और जिस तरह से उसमें स्टाइल बनाते हैं तो वो आलाप बन जाता है, राग का आलाप बन जाता है। तो किसी भी आरोह अवरोह को जब आप समझ जाते हैं तो आप आलाप बना सकते हैं, और कम से कम अगर ना बनाए तो गुरु के अंडर में रह के जब आप सीख रहे होते हैं तो आप कम से कम जल्दी से तैयार कर सकते हैं।
गुरु जी एक शब्द बताएंगे, आप अच्छी तरह उसे समझ पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह धीरे धीरे ये आलाप की प्रक्रिया बढ़ती रहती है, और यही आलाप धीरे धीरे फास्ट हो करके लयकारी में बदलता है, बोल आलाप भी बनता है, इससे बोल तान बनेगा, फिर तान बनाते हैं हम स्पीड में, तान इसी बोल इसी नोट्स पर जब हम स्पीड में घूमने लग जाते हैं, जैसे राग भूपाली है सारे ग प ध सा, अब सारे ग प ध ये पांच स्वर लगता है, अब इस पांच स्वर में अगर हम कोई फास्ट नोट्स में गाते हैं सा सारे ग रे ग प ध प ग प ध प घ रे सा, तान बन गया, ग रे ग प ध सा रे सा ध सा ध प घ रे सा, तान बन गया, प ध सा रे ग रे सा ध सा ध प घ रे सा, तान बन गया, सारे ग प ध सा प ध सा ध प घ रे सा, तान है। और वही वही नोट्स स्लो में जब हम करते हैं, थोड़ी जगह पर घूमते होते हैं, तो आलाप हो जाता है सारे ग, वही नोट्स है ग रे ग प ग रे ग प रे ग ग रे सा सारे सा ध प प ध सारे ग रे सा। तो आलाप आरोह अवरोह में आलाप छुपा हुआ है, तान छुपा हुआ है, उसके बाद आरोह अवरोह की अपनी जो प्रक्रिया है वो भी आप समझ गए होंगे, चार पॉइंट मैं आपको बताया हूं। इसी में बोल आलाप बोल तान सब कुछ बन सकता है। जब हम कोई बंदिश गाते हैं तो यही तान पर जब उस बंदिश को वर्ड को लेते हैं तो वो बोल तान बन जाता है, और इस पर बोल आलाप भी बनता है। जब आप कोई बंदिश गा रहे होते हैं ना छेड़ो ना ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो ना, राग भूपाली है ना। अब इसमें शब्द ले रहे हैं हम ना 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 छेड़ो ना। तो जब बोल को हम आलाप की तरह से लेते हैं तो बोल आलाप हो जाता है, वही तान हो जाएगा। छेड़ो ना 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 छेड़ो ना, ये हो जाएगा बोल तान। और इन्हीं नोट्स पर जब आपका कमांड बढ़ जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो उस पर आप लयकारी करते हैं वर्ड्स के द्वारा भी, ना छेड़ो ना छेड़ो ना ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो ना ना छेड़ो ना, इस तरह से वो लयकारी आ जाता है सामने। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आरोह अवरोह जो है राग का वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आरोह अवरोह का जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो खूब मन लगा के प्रैक्टिस किया करिए, और उसे कोशिश किया करिए खूब अच्छे तरह से तैयार करने का, और फिर आपके आप गुरु के गाइडेंस में अगर हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे मैं पहले भी बोला हूँ, यूट्यूब से केवल सीखना बुद्धिमानी नहीं है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे गुणीजन हैं जो यूट्यूब पर कुछ ना कुछ टिप्स रखते हैं तो आप सीख सकते हैं, परंतु मैं हर स्टूडेंट से यही दरख्वास्त करूंगा, उनसे उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर के पास जाकर सीखें। अगर पैसे का बहुत अभाव है तो निश्चित रूप से आप YouTube से सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंजूसी करते हैं, पैसा खर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं तो गलत है। अगर आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो किसी न किसी गुरु के पास जा करके आप म्यूजिक सीखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु बताता है, बिना गुरु के बताए हुए हम उसे नहीं समझ सकते, ठीक है। और फिर एक बात और भी मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, गुरु बहुत दिन से प्रैक्टिस किया है, गुरुओं ने बहुत तपस्या की है इसके लिए,
वर्षों का मेहनत किया है उन्होंने, तो उन्हें भी इनाम मिलना चाहिए, उन्हें भी पुरस्कृत होना चाहिए, और वो डिजर्व करते हैं कि आप उनके पास जाकर सीखें और उन्हें दक्षिणा दें सिखाने के लिए, क्योंकि रोजी रोटी तो सबका है। एक बात मैं निश्चित रूप से बताऊं, एक ये बात मैं बहुत पहले किसी से बताया था, अगर आप दक्षिणा इस YouTube के चक्कर में अगर आप गुरुओं को दक्षिणा नहीं देना चाहते, तो आप एक दिन ध्यान रखें, जो अच्छे गुरु हैं, जो वर्षों से प्रैक्टिस किए हैं, वर्षों से तपस्या करके सीखे हैं, वो आने वाले पीढ़ी को नहीं सिखा पाएंगे, और आने वाले समय में अच्छे शिक्षकों का बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा। अधूरे शिक्षक मिलेंगे आपको, जो थोड़ा बहुत, क्योंकि YouTube से जो बनेंगे वो YouTube जैसे ही बनेंगे, छीट फूट इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर का ज्ञान लिया हुआ टीचर होगा। अभी भी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जो YouTube से सीख सीख करके सिखा रहे हैं, तो उनके सिखाने में और एक गुणी के सिखाने में बहुत का अंतर होता है। जो गुणी होते हैं वो म्यूजिक के सभी सीक्रेट्स को जानते हैं, उसके सारे मतलब गूढ़ रहस्य को समझते हैं, जो कि आपको विधिवत सिखा सकते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर गुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि आप किसी भी स्टूडेंट को ईमानदारी से सिखाएं और दिल में ये रख करके सिखाएं कि जो स्टूडेंट आपके पास आया है सीखने के लिए, भले आप चयन करें स्टूडेंट का कौन सीखने लायक है कौन नहीं है, लेकिन जब आप चयन कर लेते हैं तो आपका प्रयास जो है वो ये होना चाहिए कि उसे आने वाले समय में, कम समय में, वो भी ये नहीं कि चलो खींच रहा है कोई बात नहीं, नहीं, कम से कम समय में उसे तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे समाज में हमें स्पीड से स्टूडेंट को तैयार करना होगा। अगर शास्त्रीय संगीत को हमें ऊपर उठाना है और उसमें क्वालिटी लाना है, तो हमें स्टूडेंट्स को बड़े टेक्निकल तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर समाज में संगीत की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप शिक्षकों से कि आप लोग भी बहुत ईमानदारी से सिखाएं, जो भी स्टूडेंट आपके पास आकर के सीखते हैं तो आप उसे बहुत ईमानदारी से सिखाएं, कोशिश करें उसे अच्छे से अच्छे तैयार करने का। क्यों ना सारे म्यूजिक टीचर कंपटीशन करें कि कौन अधिक से अधिक स्टूडेंट को तैयार कर सकता है, कैसा तैयार कर सकता है, तब संगीत का, संगीत जो है वो बढ़ेगा। हम आपस में भरपेट भोजन चल रहा है, हमारी अय्याशी हो रही है, हमारा घर चल रहा है अच्छे से, इतने से संतोष कर लेना उचित नहीं है। और चूंकि आपके पास अगर स्टूडेंट की भीड़ है तो आप किसी स्टूडेंट को तैयार करने में केयर नहीं करते हैं, चलो कोई सीखना है सीखो, नहीं सीखना है जाओ मैं ऐसे ही सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट को नहीं ले सकते हैं भीड़ के कारण, तो न ले, मना कर दें कि मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट को लेते हैं सिखाने के लिए, एडमिशन ले लेते हैं आप अपने पास, तो निश्चित रूप से आप अपने दिमाग में ये रख करके सिखाएं कि इसे हमें अधिक से अधिक तैयार करना है। ठीक है ना, ये मेरा गुणीजनों से आग्रह है। और स्टूडेंट सबसे भी मैं यही कहूंगा, मन लगा करके कहीं भी किसी भी गुरु के पास जाएं, गुरु खोजें, अच्छे गुरु के पास जा करके म्यूजिक सीखें, और दक्षिणा देने में कंजूसी ना करें, क्योंकि किसी भी अच्छी विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें दक्षिणा देने की जरूरत है। नहीं तो अगर एक टीचर प्रोत्साहित नहीं होगा किसी काम को करने के लिए, तो वो क्यों पेशा करेगा। एक पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहता है, इसलिए कि अधिक पैसा मिलता है। आप समझने की कोशिश करें साइकोलॉजी को। अगर सपोज करिए कि मेरा घर नहीं चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप करते हैं और मैसेज भेजते हैं कि गुरुजी आप अपना जितना वीडियो है सारे वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दें, मेरे ईमेल पर भेज दें। भाई कैसे भेज दें, उसका फीस लगता है, उसका फीस मैं लूंगा तब भेजूंगा आपको। मैं टिप्स देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सबको फ्री सिखाऊंगा, नहीं।
अगर मैं आपको फ्री सिखाऊंगा तो कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लायक नहीं रह जाऊंगा, क्योंकि आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में कम से कम 10,000 रुपए का खर्च आता है। कहां से आएगा वो? इसीलिए व्हाट्सएप करने वाले जितने हैं जो लिख करके भेजते हैं कि गुरुजी मुझे ये सारा वीडियो भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर ये कर दीजिए वो कर दीजिए, नहीं वो नहीं होता है। आप या तो फिजिकल आकर के सीखते हैं विद्यालय में, तभी आपको सिखाया जाता है फीस देने से, या मेरे क्लास में ज्वाइन करते हैं आप तब आपको फीस देना पड़ता है, बिना फीस के नहीं सिखाता हूं मैं। जिस फ्री की बात मैं किया था उसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्राउडेड है काफी, और उसमें जिस स्टूडेंट को सिखाना चाहिए अब उन सभी स्टूडेंट्स का पहले आर्थिक स्थिति की जांच होती है, उसके बाद ही मैं किसी स्टूडेंट को उसमें लेता हूं। जैसे बहुत सारे विकलांग स्टूडेंट हैं मेरे क्लासेस में, तो उनको मैं सिखाता हूं फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, उनको टेक्निक है उनका सिखाने का, उनको सिखाने का तरीका है, मेरा वीडियो ट्यूटोरियल के द्वारा या ऑडियो ट्यूटोरियल के द्वारा सिखाता हूं। लेकिन अगर आप सब लोग सोचते हैं कि हम फ्री में आपको सिखाएंगे या फ्री में सब कुछ भेज देंगे तो आप गलत समझते हैं, तब मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी, तब आप मुझे इस तरह देख नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूं और क्या सिखाता हूं, है ना। ये समझाने के लिए लोगों को, आपको जो ये पता चला है कि मुझे म्यूजिक आता है मैं म्यूजिक सिखाता हूं, वो इसलिए कि मैं फीस लेता था, अपना घर चला पाता था और उसके बाद थोड़ा पैसा और मैं खर्च करके वीडियो बना पाता हूं, इसीलिए आप समझ पाए। नहीं तो अगर जैसी स्थिति है लोगों की, जिस तरह से लोग फ्री का सब कुछ मांगते हैं, अगर उस तरह मैं देता रहूंगा तो हो सकता है कि कल मैं हाथ में कटोरा लेकर के हर जगह जो है सो मांगता फिरूंगा। घर ऐसे नहीं चलता है, घर घर है, घर का खर्चा है, खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई है, अपना खर्च है, बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि फीस पे करें और तब सीखें। अगर आपको सीखना है तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए, और दिमाग में रखें कि आपको फीस पे करना होगा तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो के साथ, यही इसी के साथ मैं आप समाप्त करता हूं इस रिकॉर्डिंग को, और अंत में यही कहूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं राग के बारे में, भजन के बारे में या मूवी सॉन्ग के बारे में, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ लोड हुआ है और फिर आप उसे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। और अपने कमेंट्स और लाइक्स बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं फिर कुछ गाने लेकर के भी आऊँगा, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट किए हुए हैं, बहुत सारे गाने लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो उनका भी रिकॉर्डिंग होगा अभी, मैं समझता हूँ 1-2 वीक के बाद फिर से और वीडियो जाने शुरू होंगे, तो आप उसके लिए वेट करें थोड़ा सा, निश्चित रूप से दूंगा मैं। लेकिन ये है क्लासिकल का टिप्स, आरो अवरो का टिप्स था आज, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, आप इसको अपनाएं और इस तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।